Viewers, Lahore Gates is one of the main restaurants of this hotel जहाँ पर breakfast buffet आपको मिलता है और high tea आपको मिलती है और 24/7 ये open होता है। तो अभी हम high tea try करेंगे इनकी और check करेंगे कि खाना किस तरह का है। So let's go with me। लाहौर गेट्स की वाइब बहुत ही मॉडर्न और वेस्टर्न है एंड दैट फिश एक्वेरियम इज एडिंग सो मच वैल्यू टू इट। व्यूअर्स, 4 पॉइंट्स बाय शेरेटन से हमारी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी कम नहीं थी, ऑब्वियसली ड्यू टू द अमेरिकन रॉयल्टी। और जब हम यहाँ पे आए हैं तो हमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक रेंज देखने को मिली है और मैं आज जो सोच रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ना चाइनीज़ में जाना चाह रहा हूँ। सो आई एम गोना गो विद एग फ्राइड राइस ऑब्वियसली, और उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी फिश हॉट गार्लिक। Viewers, I'm telling you, I think I've made the right choice. I just love it. It's so good. अब तो आप भी गवाह हैं कि मैंने कितने ज़्यादा होटल्स जो हैं वो विज़िट किए हैं। हॉट फिश गार्लिक, गाइज दिस इज़ टू गुड। और एग फ्राइड राइस भी ज़बरदस्त हैं। The quality of the rice is so good। और भूख मुझे ऑलरेडी बहुत लगी हुई थी, लेकिन लाहौर गेट्स आके जब मैंने यहाँ पे डिफरेंट तरह के खाने चेक किए हैं ना, और उसको जब मैंने टेस्ट कर लिया, आई एम टेलिंग यू, मुझे लग रहा है आज मेरी 2 नहीं 3 शिफ्टें होंगी। एक मज़े की बात आपको बताता हूँ, बफलो विंग जो होता है ना, वो बेसिकली ऑब्वियसली वो बफलो का नहीं होता, बेसिकली चिकन विंग होता है। और ये ओरिजिनेट हुआ था न्यूयॉर्क, बफलो इन अमेरिका, इसकी वजह से इसका नाम बफलो विंग पड़ा हुआ है। बफलो विंग में भी बहुत टेस्ट है और ये जो चाउमिन है ये भी बहुत मज़ेदार है। डिज़र्ट्स में भी बहुत बड़ी रेंज मिलती है आपको लाहौर गेट्स की हाई टी में।